स्वागत है आप सबका स्वैन इंजीनियर्स में। आज बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट आई है बेल की ओर से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से ट्रेनी इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट रहने वाली। बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट है। एज अ ट्रेनी इंजीनियर आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ रहेगी और जो हमारी जॉब रहने वाली वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली, 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। लेकिन बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट है और वैकेंसी भी ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस के लिए और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। तो पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आप सबका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और आप सब किस तरह से अप्लाई कर सकोगे और आप सब कब तक अप्लाई कर सकोगे। तो लास्ट तक बने ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आप सब मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप सबको मिलती रहे। इस अपडेट अच्छे लगे जरूर से लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उन लोगों को भी इस तरह की अपडेट मिलती रहे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जो रिक्रूटमेंट आई वो बेल की ओर से आई है जिसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 एंड ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट रहने वाली है। प्रोजेक्ट इंजीनियर में मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, आपके पास 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में जिसके पास जिन लोगों ने बीटेक किया है उनके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इन रिलेवेंट फील्ड में, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। सैलरी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब रहेगी, लेकिन बेल में हम जॉब करते हैं तो उसका हमें एडवांटेज मिलेगा हमें फ्यूचर में। ट्रेनी इंजीनियर की बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की नंबर पोस्ट 103 रहेगी, मैकेनिकल की बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50 रहेगी, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो टोटल वैकेंसी 8 रहेगी, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसी रहेगी और आर्किटेक्चर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहेगी। ओवरऑल टोटल पोस्ट की बात करें तो 169 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करो बीटेक मांगा हुआ है, आपने बीएससी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें मिनिमम परसेंटेज की बात करो 55% एंड अबो होने चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए एंड बिलो 55% होने चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए। अब मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें ट्रेनी इंजीनियर के लिए तो मिनिमम जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है वो 6 मंथ का मांगा हुआ है। आपके पास 6 मंथ का रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तो आप अप्लाई कर सकोगे। अपर एज लिमिट की बात करो मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर रहेगी। रिजर्वेशन वाइज भी इधर वैकेंसी दे दी गई है, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी सैलरी के बारे में, तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलेगा, सेकंड ईयर में 35,000 एंड थर्ड ईयर में 40,000। ये जो हमारी जॉब रहने वाली वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली, 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस के लिए रिक्रूटमेंट रहेगी, फाइनेंस के लिए 11 पोस्ट रहने वाले हैं जिसमें 2 ईयर्स एमबीए इन फाइनेंस मांगा हुआ है, आपके पास 55% एंड अबो होने चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 55% होना चाहिए, बिलो 55% होगा तो आप अप्लाई कर सकोगे। ट्रेनी ऑफिसर के लिए एक्सपीरियंस की बात करें तो सिमिलर 6 मंथ का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, जिसमें अपर एज लिमिट ट्रेनी ऑफिसर के लिए 28 ईयर्स रहेगी और जो आपकी सैलरी रहने वाली वो सेम रहने वाली जैसे मैंने ट्रेनी इंजीनियर की डिस्कस की। ट्रेनी इंजीनियर ट्रेनी ऑफिसर की हम जो ओवरऑल सैलरी की बात करें आपका, तो उसमें आपको रिम्यूनरेशन के साथ साथ आपको पर्क्स भी मिलेंगे, अलाउंसेस भी मिलेंगे, जिसमें आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, एटायर अलाउंसेस, स्विचिंग चार्जेस एंड फुटवेयर अलाउंसेस, ये सारे अलाउंस भी मिलेंगे जो पर ईयर आपको 12,000 तक का रहेगा। अपर एज लिमिट की हमने बात कर ली है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर रहने वाली है जिसमें जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की रहेगी, आपको आपकी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलेगा। हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी डिस्कस कर लिया ट्रेनी इंजीनियर्स एंड ट्रेनी ऑफिसर के लिए, जिसमें लेकिन कौन सी ब्रांच में कितनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं तो उसके बारे में देख लेते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी रिलेटेड ब्रांचेस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकेंगे, मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकेंगे, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकेंगे, सिविल में सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अप्लाई कर सकेंगे एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी अप्लाई कर सकेंगे, आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर इंजीनियर अप्लाई कर सकेंगे। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर लिए, हमारी ट्रेनी इंजीनियर एंड ट्रेनी ऑफिसर के लिए 6 मंथ का एक्सपीरियंस, मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट की बात करूँ, इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि आपके पास रिलेवेंट इंडस्ट्रियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करूँ, आपके पास एकेडमी, टीचिंग, रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या आपने इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क प्लेसमेंट में ऐसा आपने वर्क किया है तो वो जो
आपका एक्सपीरियंस है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। और आपने बीटेक अभी कंप्लीट किया हो, आपके पास आप फ्रेशर्स हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। और जो हमारा सिलेक्शन होगा वो हमारे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही होगा। जो सिलेक्शन कमिटी है वो सिलेक्ट करेंगे, जिनके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो आपके जो बीटेक में जो मार्क्स आए उसके बेसिस पे होंगे। उसमें जो वेटेज रहेगा वो 75% का वेटेज रहेगा। और आपके पास रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहेगा उसका वेटेज 10 रहेगा। उसके बाद हमारा जो 15% का वेटेज रहेगा वो इंटरव्यू का रहेगा। आउट ऑफ 85 मार्क्स जो हमारे बीबीटेक में मार्क्स है और जो हमारे एक्सपीरियंस को मिला के 85 मार्क्स हो गए, उनके उन मार्क्स में से आपको सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा वो 50% वेटेज का रहेगा। अब बात करते हैं आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में रख दिए, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। jobapply.in करके हमारी लिंक रहेगी, उसमें आपको अप्लाई करना रहेगा। उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में रख दिए, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और हमारी इंपॉर्टेंट डेट की बात कर ले तो हमारी जो लास्ट डेट रहेगी 4 फरवरी 2022 रहेगी। तब तक हम हमारा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना क्लोज हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, हमारी जो लास्ट डेट रहेगी वो 4 फरवरी 2022 रहेगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए एप्लीकेशन फी 500 रुपीज़ रहेगी। ट्रेनी इंजीनियर ट्रेनी ऑफिसर के लिए एप्लीकेशन फी 200 पर फॉर्म रहेगी। और SC ST NPW कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं रहेगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो हमें वेबसाइट पे अपलोड करने रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे भी मुझे पूछ सकते हो। इस अपडेट अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप सबको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उन लोगों को भी इस तरह की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।